हेलो दोस्तों, तो आइए इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हैं। मेरे पास सवाल ये है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बटे रूट अंडर वन माइनस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, तो ये सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब है रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन, तक वन की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स का फॉर्मूला आता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बटे रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट हो गया। तो आइए लिखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों सेम है तो क्यू से स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये लिखते हैं साइन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो आइए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन, तो वन माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं इसको, वन इंटू डी एक्स माइनस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टू एक्स, और टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू होता है तो इससे भाग लग जाता है टू प्लस सी।